नमस्कार दोस्तों, आलोक सब्लिमेशन टेक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं कि बेडशीट के ऊपर आप लोग अपनी मनपसंद फ़ोटो को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, वो भी घर के अंदर। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही सीखेंगे कि बेडशीट के ऊपर अगर आप लोगों को जो है अपनी पिक प्रिंट करना है तो किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, या प्रिंट करके आप लोग कैसे इसको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है बेडशीट इस तरीके से दोस्तों, नए नए डिज़ाइन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बेडशीट के ऊपर आप लोगों को कुछ कोटेशन भी लिखे हुए हैं, जो कि अलग अलग बेडशीट पे अलग अलग कोटेशन आप लोगों को लिखे हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के कोटेशन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ड शेप में यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। इस हार्ड शेप के अंदर आपको इजिली फोटो लगाना है, आप अपने मनपसंद की फ़ोटो इस हार्ड शेप के बेडशीट पे आप लोग इजिली प्रिंट कर सकते हैं। और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बेडशीट के साथ आप लोगों को दो पिलो मिलता है। ये देखिए, पिलो के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि इस पिलो के ऊपर भी आप लोग अपनी मनपसंद फ़ोटो, कोई भी फ़ोटो यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको हार्ड शेप में डिज़ाइन करना है दोस्तों, अगर आपको डिज़ाइन करना नहीं आता है बेडशीट में प्रिंटिंग के लिए या पिलो में प्रिंटिंग करने के लिए आपको हार्ड शेप चाहिए, तो अगर हार्ड शेप आपको प्रिंटिंग या डिज़ाइन करना नहीं आता है कि किस तरीके से हार्ड शेप के अंदर आपको फ़ोटो सेट करना है, तो चलिए हम आपको पहले बता देते हैं कि किस तरीके से अगर आपको हार्ड शेप में फ़ोटो को सेट करना है तो कैसे करेंगे। हम लोग देखिए कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग पहले फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। आपको फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेना है। हम यहाँ पर पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं फ़ोटोशॉप का, आप लोग चाहें तो नया भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ फ़ोटोशॉप को ओपन कर लिया। जो भी आपके पास है पिलो या बेडशीट है उसको आपको इजीली स्कैन कर लेना। यहाँ पर देखिए, मैं इसको स्कैन कर ले रहा हूँ। पहले जैसे ही आप इसको स्कैन कर लेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर और स्कैनर की मदद से आपको इसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जैसे ही स्कैन हो जाएगा, चूँकि ये A4 साइज़ पेपर के बराबर ही आपका स्कैनर होता है, तो ये समझ लीजिए कि आपका A4 साइज़ के ऊपर ये स्कैन हो करके आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये स्कैन हो चुका है। तो हम लोग इसको कट कर लेते हैं और यहाँ से इसको देखिए रोटेट कर लेंगे हम लोग इसको। ये जो सामने आपको दिख रहा है इसको हम लोग घुमा लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हार्ड शेप में हम लोगों का डिज़ाइन हो चुका है। यहाँ पर डिज़ाइन का मतलब है जिस हार्ड शेप में जो साइज़ था वो साइज़ यहाँ पर आपको प्रॉपर दिखाई पड़ रहा है, इसी साइज़ में हमको पिक को लगानी है। तो कैसे करना है, चलिए हम लोग पहले इसको जो है पेन, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटोशॉप में एक पेन टूल होता है, ये देख सकते हैं आप। इस पेन टूल की मदद से हम लोग जो है इसको पहले कट कर लेंगे। चलिए हम लोग फटाफट इसको कट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए पूरा हम लोग यहाँ से इस तरीके से आपको कट कर लेना है। अगर आपको इस तरीके से फ़ोटोशॉप चलाना नहीं आता तो मेरा ट्यूटोरियल वीडियो फ़ोटोशॉप का आप देख लीजिए, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको जो है इसको कट करना है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि हम जो है पेन टूल की मदद से इसको जो है फटाफट कटिंग कर ले रहे हैं। कटिंग करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएँगे कि किस तरीके से आपको इसको करना है। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके का प्रिंटिंग आइडियाज़ आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए हम लोगों ने इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया है पेन टूल की मदद से यहाँ पर, और अब हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जो है इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, ये जो वाइट वाला, इसका बैकग्राउंड हम लोग दूसरे कलर में कर लेंगे, और जो ये पीछे बैक था इसको हम लोग डिलीट की मदद से इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हार्ड शेप आपके सामने इस तरीके से बच करके आ जाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, तो इस हार्ड शेप को हम लोग यहाँ पर इजीली इसका डुप्लीकेट कर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए नीचे साइड में, ये देखिए जहाँ पर लेयर आपको दिखाई पड़ रही है इसके अंदर, यहाँ से हम लोग डुप्लीकेट करके इसको डबल साइड में कर लेंगे। मतलब एक के ऊपर एक, इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये डबल हो गया है। तो अब ये डबल करने के बाद दोस्तों, जो भी पिक है आपके पास, जो भी आपको इसके अंदर फ़ोटो को डिज़ाइन करना है, उस फ़ोटो को यहाँ पर ला करके रख लेना है। तो चलिए हम लोग फटाफट फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, इस बॉक्स में मैंने रखा है फ़ोटो को, तो हम लोग फटाफट ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ये वाला पिक मैं ले लेता हूँ, ये वाला, हाँ चलिए इसको मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। कोई भी पिक आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने देखिए एक इसके पहले बहुत सारे डिज़ाइन किए हुए हैं, तो यहाँ से इसको मैं ले लेता हूँ और इसको जूम करके बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखिए, मैंने इसको जूम करके बड़ा कर लिया है। फिर भी यहाँ पर आप देखिए साइड में थोड़ा सा कट रहा है फ़ोटो, ये आप देख सकते हैं कि कट रहा है। तो हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे, लाइट को थोड़ा सा पहले बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर मैंने लाइट को बढ़ा लिया है, कंट्रास्ट इसको सही कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद फिर यहाँ पर जो ये कट आपको दिखाई पड़ रहा है,
इसको जो है हम लोग इसको हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ से देखिए ये लेयर पे जाएंगे, पिक वाले पे जाना है हमको, अरे ये पिक वाले पे हमको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से लेयर जो दिखाई पड़ रही है जो कि हमका मेरा फ़ोटो है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर पकड़ कर इस तरीके से खींच देंगे। तो ये देखिए ये पूरा पेज जहाँ पर हार्ड शेप में पूरा डिज़ाइन हो चुका है। हम लोग इसको इजीली जो है सेव कर लेंगे, कहीं भी आप इसको कोई फोल्डर बना के आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है फिर से आना है, उसी को ओपन करके इसको देखिए सेलेक्ट करके जो कलर था इसको हम लोग डिलीट वाली बटन से डिलीट कर देंगे तो ये वाइट में हो जाएगा। जितने भी आपने फ़ोटो इस तरीके से डिज़ाइन कर लेने हैं आपको डिज़ाइन करने, दोस्तों हम लोग इसको इस तरीके से मिरर करने के बाद हम लोग इसको प्रिंट दे देंगे सब्लिमेशन पेपर पे। सब्लिमेशन इंक की सहायता से हम लोग इसको प्रिंट दे देते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप लोगों को सेट करना नहीं आता तो ट्यूटोरियल वीडियो मेरा स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि प्रिंटर को किस तरीके से आपको सेट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको सेट करके नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट मैं इसको प्रिंट दे दे रहा हूँ। इस तरीके से हम लोग एक एक करके सारे को प्रिंट दे देंगे। देखिए दोस्तों हम लोगों का प्रिंट आउट निकल चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि बेडशीट पे हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पिलो के ऊपर प्रिंट होगा दोस्तों इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब थोड़ा छोटा है, और जो पिलो के ऊपर आपको प्रिंट करना है इसकी साइज थोड़ी बड़ी है। तो हम लोग इसकी फटाफट कटिंग कर लेंगे। दोस्तों हम लोग फाइनली 5 नोन मशीन के ऊपर आ चुके हैं। हम लोग मशीन को कुछ इस तरीके से ऑन कर लेंगे, मोर की बटन प्रेस करेंगे दोस्तों, और मिनिमम टेम्परेचर जो रखेंगे हम लोग यहां पर रखेंगे 350। मोर की बटन प्रेस करके हम लोग इसको बढ़ा लेंगे, 350 कर लेंगे मिनिमम टेम्परेचर, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा वो भी 350 रहेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमिंग जो होगा दोस्तों वो 80 सेकेंड का होगा। ये देखिए हम लोगों की मशीन हीट होना स्टार्ट हो चुकी है, जैसे ही मशीन ये बीप करेगी दोस्तों हम लोग जो है बेडशीट के ऊपर प्रिंट करने वाले हैं। इसको जो है बढ़िया से यहाँ पर सेट कर लिया है, आप देख सकते हैं इसको पिलो को, पिलो के ऊपर हम लोग जो है यहाँ पर फोटो को लगा देंगे जो आपका प्रिंट आउट निकला हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोगों का प्रिंट आउट निकल चुका है। तो हम लोग इसको बराबर में रख करके सेट करेंगे, ये आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक कवर कर रहा है, ये जो लिखा इसमें डिजाइन किया गया है पूरे पे आ रहा है, ये कहीं छोटा बड़ा नहीं है। आप लोग भी अगर इस तरीके का जो है प्रिंट आउट या टेम्पलेट बनाना चाहते हैं कि एकदम बराबर में निकले छोटा बड़ा ना रहे, तो आप लोगों को जैसा मैंने बताया है कि इस तरीके से आप लोग डिजाइन कर सकते हैं तो इस तरीके से आप लोग डिजाइन इसको कर सकते हैं। वीडियो अगर दोस्तों पूरा देखेंगे तो आप लोगों को पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से इसको प्रिंट करना है। तो ये देखिए हम लोग जो है इसको पहले टेप से बढ़िया से इसको जो है लगा करके यहाँ पर सेट कर दे रहे हैं ताकि हम लोगों का प्रिंट आउट जो है इधर उधर हिले नहीं और बढ़िया से प्रिंट आ जाए। ये देखिए मशीन हीट हो रही है दोस्तों, जैसे ही मशीन बीप की आवाज़ करेगी हम लोग इसको जो है प्रेस। ये देखिए दोस्तों मशीन जो है हम लोगों की 350 हो चुकी है, हम लोगों ने पिलो इसको लगा दिया, अब हम इसको इसको प्रेस कर देंगे। देखिए मशीन ने बीप की आवाज़ कर दिया है, अब हम लोग इसको जो है प्रेस कर देंगे, प्रेशर को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे हम लोग और इस तरीके से हम लोग इसको प्रेस कर देंगे। ये देखिए लास्ट वाली बटन हम लोग प्रेस कर देंगे, टाइम चलना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। जैसे ही ये टाइम आउट होगा हम लोग इसके अंदर से पिलो को निकालेंगे, उसके बाद ये बेड शीट है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये बेड शीट है, बेड शीट के ऊपर हम लोग एक एक करके फोटो को प्रिंट करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है तो इसलिए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके के प्रिंटिंग कॉन्टेंट जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ आप लोगों से मिस ना हो। दोस्तों कुछ ही सेकंड बचा हुआ है पिलो को प्रिंटिंग होने में, जैसे ये प्रिंट होगा ये देखिए मशीन ने बीप की आवाज़ कर दिया है, अब हम लोग इसको उठा लेंगे फट से, ये देखिए, और हम लोग इस मशीन को इधर घुमा देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए हम लोगों का प्रिंट हो चुका है, यहाँ पर हम लोग इसको उठाएंगे बढ़िया से, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है, ये देख सकते हैं आप ये पिलो के ऊपर दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हम लोगों की बेडशीट जो है हम लोग इसको जो है पहले बढ़िया से फैला देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीन के ऊपर किस तरीके से आपको रखना है इसको ताकि एक एक प्रिंट हो जाए आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं
जहाँ पर पिक आपको प्रिंट करनी है उसी एरिया को यहाँ पर मशीन के ऊपर रखना है आपको। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, हम लोग इस बेडशीट को इस तरीके से यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर 5 पिनोन मशीन के ऊपर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे। रखने के बाद इसको हम लोगों को दोस्तों इसके ऊपर टेफ्लॉन शीट रख करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको इसको एक बार प्रेस कर देना होगा। हम लोग इसको प्रेस कर देते हैं ताकि जो ये मुड़ा है ये इसमें जो सिकुड़न आई है जगह जगह पे ये जो है प्लेन हो जाए। तो ये देखिए हम लोग मशीन को घुमा देंगे, ये देखिए ये सरफेस प्लेन हो चुका है। अब हम लोग जो है ये जो प्रिंट आउट हम लोगों ने कटिंग किया है हम लोग इजिली यहाँ पर इसको सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर में इसको हमको सेट कर देना है और इसको सब्लिमेशन टेप की सहायता से हम लोग इसको बढ़िया से चारों तरफ से लॉक कर देंगे ताकि हम लोगों का प्रिंट आउट जो है इधर उधर हिले नहीं और ये प्रिंट हो जाए बराबर। ये देखिए हो गया। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर फिर से टेफ्लॉन शीट को रखेंगे। टेफ्लॉन शीट दोस्तों यूज करना इसलिए जरूरी है ताकि इसके जो है बेडशीट की भी आपकी जो है क्वालिटी बनी रहेगी और आपके मशीन की लाइफ भी बनी रहेगी और प्रिंट की भी क्वालिटी बनी रहेगी, इसलिए इसको आपको करना जरूरी है। तो ये देखिए लास्ट वाली बटन प्रेस कर देंगे हम लोग, टाइम चलना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही ये टाइम आउट होगा दोस्तों हम लोग दूसरा प्रिंट यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट पिक यहाँ पर हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए आलोक सब्लिमेशन टेक। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके का प्रिंटिंग आइडिया जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ आप लोगों से मिस ना हो। दोस्तों कुछ ही सेकंड बचा हुआ है यहाँ पर टाइम ये कंप्लीट होने वाला है बेडशीट पे प्रिंटिंग का। ये देखिए टाइम कंप्लीट हो चुका है, हम लोग इसको जो है मशीन को ऊपर उठाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग इसको ऊपर कर लेंगे, ये देखिए, और थोड़ा सा इसको प्रेशर को ऊपर कर लेंगे हम लोग यहाँ से। उसके बाद यहाँ से देखिए, ये देखिए हम लोगों का प्रिंट यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है ये। इस तरीके से दोस्तों हम लोग एक एक करके भी हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर सेट कर ले रहे हैं, प्रिंट आउट जैसा निकला हुआ है हम लोगों का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्लिमेशन टेप दोस्तों आराम से आप लोगों को चारों तरफ लगाना होगा ताकि प्रिंट आउट हिले नहीं, नहीं तो आपको बेडशीट खराब हो जाएगी, इसलिए आपको यहाँ पर टेप लगाना जरूरी है। बराबर टेप में लगाने में कंजूसी ना करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो है इसके ऊपर टेफ्लॉन शीट को रख दिया है और फिर से वही प्रोसेस करना है दोस्तों आपको इस तरीके से। प्रेशर को थोड़ा सा डाउन रखेंगे हम लोग। ये देखिए टाइमिंग चलना स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही टाइम आउट होगा दोस्तों एक एक करके हम लोग सारा जो है प्रिंट करने वाले हैं। फिर उसके बाद दोस्तों लास्ट में अभी एक पीलो हम लोगों का बचा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पीलो अभी बचा हुआ है। पीलो को फिर हम लोग जो है इसके अंदर जब ये प्रिंट हो जाएगा, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 4 पिक यहाँ पर प्रिंट करना बाकी है दोस्तों। तो इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप लोग एक एक करके आपको प्रिंट कर लेना है, फिर उसके बाद आपको जो है पीलो पे प्रिंट करना। पीलो का प्रिंट जो एरिया है थोड़ा सा बड़ा है तो हम लोग इसको लास्ट में प्रिंट करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं दूसरा भी पिक आपका कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है। अब हम लोग फटाफट तीसरा पिक भी इस तरीके से चलते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और इसको सेट करेंगे इसके दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों की लास्ट पिक जो है बेडशीट के ऊपर प्रिंट होने वाली है, तो ये पिक है हम लोग इसको प्रिंट करने वाले हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको सेट कर लेना है, सेम प्रोसेस वही करना है आपको, कुछ अलग नहीं करना है। और अगर ये प्रिंट हो जाता है तो उसके बाद हम लोगों की बेड सेट कम्प्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर 2 पिलो बचता है, एक पिलो मैंने पहले आपको प्रिंट करके दिखाया, दूसरा पिलो भी हम लोग इसको प्रिंट कर लेंगे। सब्लिमेशन टेप की सहायता से दोस्तों इसको बढ़िया से आपको लॉक करना होगा, सभी मैंने बताया कि आपको हर जगह जो है बार बार इसको लॉक करना ही है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको लॉक कर लेते हैं। देखिए 2 जगह मैंने लगा दिया है और इसको टेप लगा करके फिर इसको जो है हम लोग प्रेस। ये देखिए दोस्तों लास्ट वाली पिक जो है हम लोगों की प्रिंट हो रही है और इसके साथ ही हम लोगों की बेड शीट प्रिंटिंग कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए मशीन ने बीप की आवाज़ कर दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं सारे पिक यहाँ पर पहले से प्रिंट हो चुके हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद हम लोग ये देखिए लास्ट पिक है हम लोगों की, इस पर प्रिंट हो रही है। हम लोग फटाफट जो है इसको मशीन को ये प्रेशर को थोड़ा सा घुमा लेंगे और वही सेम हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से आपकी ये बेड शीट प्रिंट हुई है। तो ये देखिए लास्ट पिक हम लोग देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है। ये देखिए देख रहे हैं इस तरीके से दोस्तों हम लोगों की बेड शीट प्रिंटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं इसको पूरा
सेट करके कि किस तरीके से आप लोगों को प्रिंटिंग दिखता है। उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसको यहां से हटाएंगे और एक पिलो अभी बाकी है, उस पिलो को हम लोग यहां पर प्रिंट करने वाले हैं। तो हम लोग फटाफट इसको हटा लेते हैं पहले यहां से। यहां पर आप देख सकते हैं फुल साइज का पिलो है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे इस पिलो के अंदर आपको किस तरीके से प्रिंट करना है। चूंकि ये बेडशीट से थोड़ा सा इसका फोटो का साइज बड़ा है, तो ये देखिए हम लोगों ने प्रिंट आउट इसको निकाल लिया है। हम लोग यहाँ पर इसको बराबर में सेट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको सेट करना है, इस तरीके से यहाँ पर लगा करके इसको सेट कर लेना है। ये देखिए सेट करने के बाद दोस्तों इसको हम लोग सब्लिमेशन टेप की सहायता से बढ़िया से इसको लॉक कर देंगे। तो हम लोगों ने इसके ऊपर टेप लगा दिया है। इसके ऊपर अब हम लोग टेफ्लॉन सीट को रख लेते हैं। टेफ्लॉन सीट को रखने के बाद हम लोग मशीन को इस तरीके से घुमा करके, ये देखिए टाइमिंग टेम्परेचर दोस्तों वही सेम रखना है, इसमें भी बेडशीट के ऊपर भी और ये पिलो के ऊपर भी। तो हम लोग इसको प्रेस कर देंगे। ये देखिए लास्ट वाली बटन प्रेस कर देंगे हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों की पिलो भी इस तरीके से प्रिंट होकर के तैयार हो जाती है। एक पिलो पे देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले ही प्रिंट कर दिया था, ये आप देख पा रहे होंगे, और ये दूसरा पिलो यहाँ पर आपका मशीन में लगा हुआ है। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों का एक बेडशीट दो पिलो के साथ कुछ ही सेकंड बचा हुआ है, ये आपका दोनों पिलो प्रिंट हो चुका है। ये देखिए मशीन ने बीप की आवाज़ कर दी, हम लोगों का प्रिंट कम्प्लीट। हम लोग मशीन को पहले ऑफ कर देंगे, चूँकि हम लोगों का प्रिंट नहीं करना है। दो पिलो और हम लोगों की बेडशीट कम्प्लीट हो चुकी है। हम लोग इस तरीके से प्रेशर को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और मशीन को यहाँ से घुमा लेंगे। ये देखिए टेफ्लॉन सीट इसके ऊपर लगी हुई है, हम लोग इसको हटा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों का प्रिंट जो है हो चुका है कंप्लीट। चलिए अब हम लोग फटाफट इसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना यूनिक प्रिंट आया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए देख पा रहे हैं कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, ये फाइनली आप लोगों की जो है बेडशीट बन करके तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए सारी पिक यहाँ पर आपकी लग गई है इस तरीके से। ये देखिए ये पिलो के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया ये आपको दिखाई पड़ रहा है। ये पिलो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पिलो और ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है, और इसी तरीके से दूसरा पिलो भी आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये फोटो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फोटो आपकी प्रिंट हुई है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके के प्रिंटिंग आइडियाज के वीडियो आप लोगों को मिलते रहें और आपसे मिस ना हो। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मिलता हूँ किसी नए प्रिंटिंग आइडियाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।